जितेंद्र प्रसाद बीजेपी में होंगे शामिल, तो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे हैं जितेंद्र, थोड़ी देर में कमल का दामन थामेंगे जितेंद्र। तो बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद बीजेपी में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे हैं जितेंद्र, थोड़ी देर में कमल का दामन थामेंगे जितेंद्र। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद बीजेपी का दामन थामेंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे हैं जितेंद्र। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ मनीष मिश्रा। तो मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, जितेंद्र प्रसाद इस बीजेपी में शामिल होंगे? निश्चित तौर पे प्रिया, आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले भी हम अपने दर्शकों से बात करते थे, हम बता रहे थे कि किस तरीके से एक बड़ा चेहरा जो ब्राह्मण चेहरा हो सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी साख हो सकती है, ब्राह्मणों को माना नेता माना जाता है, वैसे नेता पे अब मोहर लग चुकी है। ये माना जा रहा है कि जितेंद्र प्रसाद पीयूष गोयल के साथ है और अमित शाह के घर पहुंच चुके हैं। तो इसमें कोई और कसर नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी बची है कि 1 बजे जब पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी कार्यालय और जेपी नड्डा उनको ज्वाइन कराएंगे। तो ये बहुत बड़ा झटका है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में करीब 11% ब्राह्मण वोटर हैं। बीजेपी इस वर्ग में अभी तक बीजेपी पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। जितेंद्र प्रसाद करीब 1.5-2 साल से ब्राह्मणों को एकजुट करने की कोशिश में लगे रहे हैं। कांग्रेस के जो ब्राह्मण का चेहरा माना जाता था वो जितेंद्र प्रसाद माना जाता था, लगातार वो सक्रिय रहते थे। ब्राह्मण की जो नेता माना जाता था वो जितेंद्र प्रसाद को माना जाता था। ब्राह्मण दलित मुस्लिम गठजोड़ से कांग्रेस का जब कोई गठजोड़ की बात होती थी, अगर किसी एक विशेष समुदाय को जोड़ने की बात होती थी तो उसमें भी देखा गया था कि जितेंद्र प्रसाद की बहुत अहम भूमिका रहती थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ा सक्रिय माने जाते थे। उसके बाद अब जब ये तय हो गया है कि जितेंद्र प्रसाद ही वो बड़ा चेहरा है जो 1 बजे कांग्रेस का दामन छोड़ के और बीजेपी का दामन थामेगा, बहुत बड़ा झटका है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए। उत्तर प्रदेश में जबकि चुनाव सर पे है, चुनाव कुछ महीनों की दूरी पे है, ऐसे में जितेंद्र प्रसाद का कांग्रेस से बीजेपी में आना बीजेपी के लिए तो खैर ये बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि पश्चिम में उत्तर प्रदेश में कहें या फिर उत्तर प्रदेश में कहें तो ऐसा कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है अभी बीजेपी के पास, और करीब 11% वोट बैंक है ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में। इसको देखते हुए एक बार फिर से बीजेपी ने जो सेन लगाई है कांग्रेस में, ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, और देखना होगा कि आगामी चुनाव जो 2022 में ये कितना जो प्रयोग किया गया है कितना सफल होता है बीजेपी के लिए, और कांग्रेस इसका क्या कार्ड निकालती है ये देखने वाली बात होगी। प्रिया बिल्कुल मनीष, ये पहला मौका नहीं होगा जब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बीजेपी में शामिल होगा, इससे पहले भी कई नाम ऐसे सामने आए हैं, तो क्या लगता है आपको, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए फिर आपको बता दूं, जब भी किसी में कभी कोई चुनाव की बात होती है, चुनाव की तैयारियां होती हैं, तो ये दल बदल की जो राजनीति है देखने को मिला है। और अगर बात आप करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की तो ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी हमने कुछ देर पहले अपने दर्शकों को बताया था कि जब भी उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती हैं तो ये देखने को मिलता है, और ये तो अभी शुरुआत भर है, शुरुआत हुई है। बीजेपी ने पहला अपना ट्रंप कार्ड खेला है, अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस, बीएसपी और सपा, अभी इनमें क्या क्या कौन से फेरबदल होते हैं ये देखने वाली बात होगी। पर अब शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत बहुत बड़े एक चेहरे से हुई है, और एक ऐसा चेहरा जो कि ब्राह्मण कार्ड माना जाता था कांग्रेस के लिए अब बीजेपी में शामिल हो रहा है। देखना ये होगा कि किस तरीके से इस चेहरे को आगे लाती है, क्या भूमिका दी जाती है और किस तरीके से देखा जाता है। आपको बता दें कि जब मायावती की गवर्नमेंट बनी थी 2007 में, तब भी जब हमने देखा था जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी उसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान था, उस समय सतीश चंद्र मिश्रा लाए गए थे ट्रंप कार्ड की तरह, सतीश चंद्र मिश्रा की एंट्री हुई थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी बसपा सुप्रीमो मायावती की। अब उसके बाद देखना ये है कि अब
कांग्रेस क्या करती है कि कांग्रेस के बाद ये बहुत बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस से कैसे उभरती है ये देखने लगा। बहरहाल बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण जो जिसको माना जाता है ब्राह्मण चेहरा नेता वो आज ज्वाइन कर रहा है। प्रिया बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में कमल का दामन जितिन प्रसाद थामेंगे, लगातार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद, वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, सुशांत गोल सिटी अपहरित महिला का नया वीडियो जारी हुआ है। आपको बता दें कि वीडियो में महिला खुद को सेफ बता रही है। मामले में अभी भी कई आरोपी फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो लगातार बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुशांत गोल सिटी अपहरित महिला का एक नया वीडियो जारी हुआ है। आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से महिला ये बता रही है कि अब वो सेफ है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी में मिशन उत्तर प्रदेश शुरू हो चुका है। कांग्रेस का बड़ा नेता बीजेपी ज्वाइन करेगा। आपको बता दें कि एक बड़े नेता की आज बीजेपी में ज्वाइनिंग होगी, उत्तर प्रदेश का नेता ये बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि जितिन प्रसाद ही वो चेहरे हैं जो अब बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें 1 बजे अध्यक्ष जेपी नड्डा ज्वाइन करवाएंगे बीजेपी को, और बीजेपी में मिशन उत्तर प्रदेश शुरू हो चुका है। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपको ही मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।